केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पे आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से एक ऐसा विधेयक है जिसका समर्थन सभी लोग करेंगे और मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर मैं उनको बैठा लिया ऐसे थोड़ी होता, बैठ जाइए, मैं भी नहीं बैठूंगा, बैठ जाइए, नहीं जा रहा है, माइक बंद है आपका, माइक बंद है साहब, माइक बंद, बैठिए एक मिनट, माइक बंद हो गया है। विनोद जी आप बोलिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, निश्चित रूप से इससे आंध्र की जनता के जो एक कमिटमेंट था सरकार को वो पूरा होगा, और सरकार की जो इच्छा है, जो मंशा है कि यहाँ पर विदेशी छात्र भी आए पढ़ें, और सरकार ने भी बजट में इसकी 400 करोड़ की घोषणा की है जिसके माध्यम से शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार होगा। सभापति महोदय, मेरी चिंता का विषय दूसरा है। मैं देश के एससी एसटी ओबीसी और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश के सवर्ण समाज, जो किसान मजदूर हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था 10% किए हैं। मैं जानना ये, मैं ये बात केवल निराधार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समाज की तरफ से इस बात को जानना भी चाहता हूँ, आपके संज्ञान भी लाना चाहता हूँ, और आपका भी संरक्षण चाहता हूँ, सदन की भी संरक्षा चाहता हूँ कि पूर्व में जब विश्वविद्यालय में आरक्षण था और फिर अचानक आरक्षण खत्म कर दिए गए, क्या इस विश्वविद्यालय में इस देश के एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के जो गरीब हैं जिनको मोदी सरकार ने 10% आरक्षण दिया, वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं? क्योंकि मैं ये बात निराधार नहीं बल्कि आधार के मैं कहता हूँ, 2004 से 14 के बीच में जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी तो इस देश के साधन और संसाधन को ही नहीं लूटा गया, बल्कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के गरीबों का हक भी लूटा गया। 2006 में अचानक यह सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, जिसके कारण वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी और देश के गरीबों का आरक्षण खत्म हो गया। माननीय सभापति महोदय, ये कहानी कोई नई नहीं है, ये कहानी इस देश में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से किया। 1920 में पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से खोला गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय, और आगे चल के देश में इस तरह का भ्रम फैलाया गया। सभापति महोदय, ऐसे नहीं, मैं एक मिनट भी बोलने देंगे तो बात ही मेरी पूरी नहीं आएगी, क्योंकि ये बात बहुत इस देश के एससी एसटी ओबीसी और इस देश के सवर्ण समाज के गरीबों का सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सभापति महोदय, इस देश के एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के गरीबों के हक पर ही कांग्रेस के लोगों ने डकैती डाली है। 1920 में पहला अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बीएचयू खोला गया, जिसमें बीएचयू में तो आरक्षण दिया गया लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं वो बताना चाहता हूँ, देश में भ्रम फैलाया गया कि ये माइनॉरिटी का विद्यालय है, और जब देश आजाद हुआ तो 1951 में इसी सदन में एक संशोधन विधेयक लाया गया, जिस संशोधन विधेयक पे उस समय के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय माइनॉरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है। अगर आप मुझको बोलने नहीं दे रही तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेके जिस तरह से इस देश के एससी एसटी ओबीसी के साथ हक के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से श्रीमंत से निवेदन करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेके एक श्वेत पत्र आना चाहिए।